हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज है होली का दिन और सुबह सुबह मैं तैयार हो गई और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और होली के दिन आप लोगों का बहुत अच्छा कटे, यही प्रभु से मेरा गुजारिश है। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और पूरा दिन देखते रहिए मैं क्या करती रहती हूँ। अभी सुबह के बज रहे 8:30 और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। मुझे बाकी भी और भी काम करना है। अभी मैं नहा के और रेडी होने के लिए तैयार हो रही हूँ, तो सोच रही थी आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात कर लूँ और काम भी कर लूँ। ये मैं मेकअप करने वाली हूँ क्योंकि मुझे मेकअप बिना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत जो भी क्रीम लगाना होता है वो होली या हो और कुछ भी, मैं सब कुछ अपने हिसाब से करती हूँ। या मुझे कोई रंग लगाए या कुछ भी करे, मैं मेकअप किए बिना नहीं रहती और क्रीम लगाए बिना मैं नहीं रहती। देखिए, मैं क्रीम भी लगा ली और फाउंडेशन भी लगा रही हूँ और उसके बाद आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। और मेरा जो बेटा है वो बाहर खेल रहा है, अभी होली खेलने में मस्त है और मैं बाहर सुबह से निकल ही नहीं पाई हूँ। मम्मी लोग के साथ वो है, इसीलिए मैं बाहर नहीं गई। मैं सोच रही थी आगे तक काम कर लूँ, उसके बाद आप सबसे बातें कर लूँगी। तो मैं सुबह सुबह तैयार करके आ रही हूँ और सोचिए आप लोगों के साथ बातें करूँगी और आप लोगों को आज का दिन क्या मैं करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आज तो होली है तो ऊपर से मेकअप भी कर रही हूँ। पता नहीं मैं होली खेलूँगी या नहीं खेलूँगी, मुझे तो कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैं अपने हिसाब से तैयार हो रही हूँ। देखिए, मैं काजल भी लगा रही हूँ, आप लोगों से बातें करते करते मैं मेकअप भी कर रही हूँ। चलिए आगे देखते रहिए मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। आगे आगे देखिए क्या होता है। जो भी काम करती हूँ अपने हिसाब से करती हूँ, अपने फिनिशिंग के साथ करती हूँ। अगर किसी को पसंद आए तो मुझे बताइएगा और मैं कैसे काम करती हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी काम कर सकूँगी और मेरा वीडियो भी आगे बढ़ाऊँगी। पूरे दिन का रूटीन मैं दिखाऊँगी। आज मैं सोची होली है तो थोड़ा बहुत तो कुछ भी तो काम होगा, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। सोचिए आप लोगों को दिखाएंगे बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। होली आप लोग कैसे खेल रहे हैं और हम लोग कैसे खेलते हैं होली, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग सोचेंगे जो मैं इतने सारे मेकअप क्यों कर रही हूँ, ये आप लोगों को भी आश्चर्य होगा। लेकिन आजकल तो हर कोई मेकअप के साथ अपना सज धज के अब बाहर निकलते हैं। या थोड़ा बहुत देखिए, मैं ब्रश भी कर रही हूँ, उसके साथ साथ मेरा आई मेकअप भी फिनिशिंग हो गई है। और मेकअप का लुक अगर लाना होगा तो स्प्रे तो मारना ही पड़ेगा, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये इसके सिवा तो मैं कुछ काम ही नहीं करती। अगर मुझे मेकअप करना है तो पूरा कंप्लीट मेकअप करती हूँ, नहीं करना है तो मुझे मैं कुछ भी नहीं करती। और एक खूबी मेरे में है जो कि मैं एक लिपस्टिक कभी भी नहीं लगाती। मुझे कम से कम 3-4 लिपस्टिक चाहिए एक ही होके, उसके बाद ही मैं घर के मेरा लिपस्टिक का कलर आता है। और मैं कुछ भूल रही थी, वो मुझे याद नहीं आ रहा था तो वो देख रही थी क्या भूल गई मैं। और उधर काम करने का भी प्रेशर है, पता नहीं भाभी लोग कैसे क्या कर रही है। मैं तो बाहर भी नहीं निकली ना, इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं। और मेरा सामान रखने का जगह भी देखिए, जैसे आया है वैसे ही पड़ा हुआ है। देखिए, और एक लिपस्टिक मैं निकाल ली, वो भी लगाऊंगी, उसके बाद ही मुझे अच्छा लगता है। वो भी बहुत देर टिकता है, इसलिए मैं पूरी तरह से अपने हिसाब से काम करती हूँ। कोई मुझे कुछ भी बोले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसे करती हूँ, भले ही किसी को पसंद आए ना पसंद आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
और देखिए मैं आगे भी और सोच भी रही हूँ उधर खाना भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो भी टेंशन है। आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ और इधर मैं मेकअप भी कर रही हूँ। फिर हमको सामान को अच्छी तरह से रख के भी जाना है, नहीं तो मेरा जो बेटा है ना वो सारा सामान को बिखेर देगा और इधर उधर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा मेरा मेकअप करना अच्छा लगा कि नहीं लगा, मेरे साथ सपोर्ट कीजिएगा, तब तो मैं आगे भी कोई ब्लॉग कर पाऊँगी ना। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का साथ देना, तब तो मुझे पता लगेगा। कोई बताते भी नहीं है जो कैसे मैं मेकअप करती हूँ, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, आप लोग भी बताइए। खाली अकेले मुझे बोलने से तो नहीं होगा ना। और ये मेरा लिक्विड सिंदूर, इसके बिना तो सिंगार ही अधूरा है। जो लड़की लोग का शादी हो जाता है उसको ये तो बिल्कुल लगाना ही चाहिए, नहीं तो इसके बिना सिंगार अधूरा है। और इसी से मैं बिंदी भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा कभी भी रेडीमेड बिंदी देखता है तो वो ले लेता है, इसीलिए मैं इसी से काम कर लेती हूँ। और आप लोग बोलिए आप लोग कैसे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे हैं, होली कैसे खेले। यहाँ पे तो एक दिन होता है, बिहार में तो दो दिन होता है मुझे पता है, पर कभी मैं अटेंड नहीं कर पाई हूँ। तो अब मैं सब कुछ को अब रख दूँगी, कभी मौका मिला तो मैं गांव जाऊंगी ये होली और दिवाली और क्या बोलते हैं छठ पूजा, छठ पूजा तो मुझे खास करके अटेंड करना है। कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगी बिहार में। मैं तो ऐसे भी रहती हूँ बंगाल में, कोलकाता साइड रहती हूँ, लोगों को शायद पता नहीं है, मैं आज ही बोल रही हूँ आप लोगों को। आप लोग बोले ही नहीं हैं कभी, मुझे कमेंट करके बताइएगा जो आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे भी तो पता चले कि मेरा वीडियो किसको किसको पसंद आ रहा है और मैं अच्छी तरह से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ मुझे पता नहीं है। मैं नया नया स्टार्ट की हूँ, आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा, तो मैं चाहती हूँ आप लोग मेरा साथ दें, मेरा सपोर्ट करें और मेरा अच्छा वीडियो हो, अच्छा मेकअप हो, अच्छा लुक हो, वो मुझे बताइएगा कौन सा मेकअप मुझे सूट नहीं कर रहा है, कौन सा ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है। और देखिए आपसे बातें करते करते ये इसके बिना तो मुझे रोज़ का रोज़ चाहिए, इसके बिना मेरा मेकअप मेरा ड्रेस बिल्कुल अधूरा है, इसके बिना मैं कुछ नहीं करती, मुझे ये रोज़ चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, जैसे लगता है कुछ मेरा मेकअप में छूट गया है। देखिए आप लोगों से बातें करते करते मैं रेडी भी हो गई, और एक चीज़ मैं भूल गई थी, वो मैं जल्दी जल्दी से निकाल रही हूँ, उसको पहनना भी है। देखिए शंका बोला आप लोग बताइए कौन कौन इसको पसंद करते हैं, कौन कौन पहनना चाहते हैं रोज़ रोज़, और कौन नहीं पहनना चाहते हैं। मैं तो नहाने से पहले इसको खोल देती हूँ, उसके बाद फिर पहन लेती हूँ। आप लोग मेरे तरह कौन कौन नहीं सकते हैं जो मेकअप को पूरा उतार के उसके बाद ही आप लोग कुछ भी काम करते हैं। मुझे तो ये जैसे लगता है सारा वजन मेरे शरीर के ऊपर है, इसलिए मैं सारा सामान को खोल के कान का हाथ का सब खोल के रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाने या कुछ काम करते रहती हूँ। आप लोग बताइए कौन कौन ऐसा काम करते हैं जो सारा मेकअप को उतार देते हैं उसके बाद ही कुछ काम करने जाते हैं या रिलैक्स फील करते हैं, ऐसा कौन कौन करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा साथ देते रहिएगा हर हमेशा। और आप लोग बताइए मुझे कैसे लग रहा है होली के दिन, मैं इस तरह से तैयार हुई हूँ, आप लोग बताइएगा किसको किसको मेरा मेकअप और मेरा लुक अच्छा लगा वो कमेंट करके बताइएगा, और क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताइएगा, क्या मेरे में कमियां हैं और क्या और कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मेरे मेकअप में या मेरे लुक में ज़्यादा हो गया है वो बताइए। और चलिए मैं तैयार हो गई हूँ,
और मैं अब बाहर जाने वाली हूँ, सब रख देती हूँ। इसके बाद शायद मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ हर बातें शेयर करना चाहती हूँ। देखिए मेरा बेटे का काम देखिए, एक गमला पानी था बाथरूम के अंदर, वो भी गिरा दिया है यहाँ पे, और बिस्तर भी थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है, और ये मेरा घर लॉक है, आप लाइट यहाँ से निकलने वाली हूँ। चलिए लाइट भी ऑफ कर देती हूँ, फैन भी ऑफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं निकलने वाली हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले काम करती हूँ अलमारी को लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा कभी भी खोल देता है और इसमें से पेंसिल निकालने लगता है, कभी घड़ी निकालने लगता है, कभी अपना बॉटल है वो भी निकालने लग जाता है। इसलिए सबसे मेरा पहला काम होता है अलमारी को लॉक करना, उसके बाद कुछ भी मैं काम करती हूँ। चलिए मैं निकलती हूँ, उसके बाद आपसे बातें करती हूँ। चलिए तैयार होकर मैं बाहर आ गई हूँ। उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे तो कुछ भी रेडी नहीं हुआ है। अब मैं जल्दी जल्दी से इसको तैयार कर रही हूँ। ये है मालपुआ का मैरिनेट किया हुआ सामान, और इसको हमको छानना है, बनाना है। यहाँ आगे भी तैयारी चल रहा है, आगे आगे देखिए क्या होता है, क्या क्या खाना बनाती हूँ और क्या बनता है। और ये देखिए पकौड़े भी छानने लग गए थोड़ा थोड़ा करके। अभी जो कुछ भी बन रहा है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। बातें करते करते देखिए मैं खाना बनाने के टाइम भी हो गया और आ भी गए यहाँ पे, और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। आज पहले तो पकौड़ा छानना है, उसके बाद ही कुछ पकवान बनेगा। देखिए बेसन भी फेंट रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, इधर भी बातें कर रही हूँ। जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि मैं दोनों कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और मुझे छानना है यहाँ बैठे बैठे। देखिए आगे वीडियो देखते रहिए, और मैं यहाँ पे काम भी कर रही हूँ और लोगों से बातें भी कर रही हूँ, आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। देखिए मैं पूरी भी छानने बैठ गई हूँ, इधर पकौड़ा भी छना रहा है, इधर पूरी भी छान रही हूँ, और इधर मालपुआ भी छानने बैठ गई हूँ। ये है क्या बोलते हैं इसको, मिर्ची का पकौड़े, और इसमें टमाटर भी है, टमाटर का भी पकौड़ा मैं बना रही हूँ। ये मैं पहली बार टमाटर का पकौड़ा छान रही थी, डर भी रही थी अगर फट गया तो आज तो तेल पक के साथ मेरा भी मुँह पक जाएगा। देखिए सारा पूरी भी छन लिए और पकौड़े भी बना लिए, और आधा बाकी है वो मैं आगे कर रही हूँ। साथ साथ मैं होली भी खेल रही हूँ, मेरे घर पे सब कोई आए थे होली खेलने के लिए, उनके साथ होली भी खेल ली। देखिए वो वीडियो करना मुझे याद भी नहीं रहा और वक्त भी नहीं मिला, क्योंकि मैं किचन में थी इसलिए मैं नहीं कर पाई। और देखिए इसको अब मैं बिना साबुन का इसको निकालने वाली हूँ, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। आगे देखते रहिए मैं क्या क्या।
अब आप लोगों का एक मैजिक दिखाती हूँ। देखिए मेरे मुंह में रंग लगा हुआ है, वो मैं कैसे बिना साबुन का निकाल देती हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी ट्राई मार के देख सकते हैं जो ऐसे होता है कि नहीं होता है, हम दिखा रहे हैं आपको। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो आप लोग भी करके देखिए मेरी तरह जो होता है कि नहीं होता है। इतना साबुन रगड़ रगड़ के भी नहीं निकलता जितना अच्छे से मैं इसको निकाल रही हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिए और मेरी तरह स्किन से रंग निकाल दीजिए। पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं आखिर तक इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इधर देखिए मेरा बेटा भी आ गया और मैं उससे बातें भी कर रहा है। और देखिए आप लोगों से बातें करते करते, मेरे बेटे से बातें करते करते मैं रंग निकाल दी। देखिए कितने वेव्स लगा, वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी और आगे आप लोगों से बातें भी करूंगी। आज के लिए इतना ही, टाटा।